विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। विराट कोहली ने 104 टेस्ट मैच में 8,119 रन बना चुके हैं, वहीं बाबर आजम ने 47 टेस्ट मैच में 3,696 रन बना चुके हैं, तो एक पॉइंट विराट कोहली को जाता है। विराट कोहली ने ओडीआई कैप्टेंसी में 95 मैच में से 65 मैच जीत चुके हैं, वहीं बाबर आजम ने ओडीआई कैप्टेंसी में 9 मैच में से 4 मैच जीत चुके हैं। अगर दोनों प्लेयर का जीतने का परसेंटेज निकाला जाए तो विराट कोहली का 70.43% होगा और बाबर आजम का 50% होगा, तो एक पॉइंट फिर से विराट कोहली को जाता है। विराट कोहली ने T20 टूर्नामेंट में 207 मैच में 199 इनिंग्स पर 6,283 रन बनाए हैं, वही बाबर आजम ने T20 टूर्नामेंट में 58 मैच में 56 इनिंग्स पर 2,070 रन बनाए हैं। अगर दोनों प्लेयर का एवरेज देखा जाए तो विराट कोहली का एवरेज 37.39 होगा और बाबर आजम का 43.12 होगा, तो एक पॉइंट बाबर आजम को जाता है। विराट कोहली के फेसबुक पर 50 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 233 मिलियन फॉलोअर्स, ट्विटर पर 53.3 मिलियन फॉलोअर्स और टोटल करें तो 336.3 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। वही बाबर आजम के फेसबुक पर 3.8 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन, ट्विटर पर 4.4 मिलियन, सभी फॉलोअर को टोटल करें तो 11.3 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, तो एक पॉइंट विराट कोहली को जाता है। विराट कोहली का टोटल नेटवर्थ 1,200 करोड़ रुपए हैं, वही बाबर आजम का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए हैं, तो एक पॉइंट विराट कोहली को जाता है। विराट कोहली ने T20 में 95 मैच में 87 इनिंग्स पर 3,227 रन बनाए हैं, वही बाबर आजम ने 70 मैच में 65 इनिंग्स पर 2,534 रन बनाए हैं। अगर दोनों प्लेयर का एवरेज निकाला जाए तो विराट कोहली का 52.04 और बाबर आजम का 46.07 होगा, तो एक पॉइंट विराट कोहली को जाता है। तो आज की इस वीडियो का विनर विराट कोहली है। आपको इन दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर अच्छा लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।